गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं निशा। सो आज मैं हाजिर हूं कोक स्टूडियो के एक अमेजिंग से वीडियो के साथ। सो कोक स्टूडियो सीजन 14 का ये सॉन्ग है काना यारी। सो यहां पर जो है कैफी खलील, एवा बी और अब्दुल वहाब बुक्ति जो है ऐसे यहां पर नाम लिए गए हैं। सो कोक स्टूडियो का सीजन 14 है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडियो, ये शो है। आप देखेंगे कि कोक स्टूडियो में इतने सारे जो नए पुराने जो सॉन्ग्स है उसको एक अच्छे तरीके से एक यूनिक से म्यूज़िक के साथ प्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं। इंडिया के भी अदर से भी ये लोग आते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये शो। बस जो म्यूज़िक लवर्स हैं, जो म्यूज़िक के दीवाने हैं, उनके लिए तो भाई ये शो जन्नत है। अगर आप कभी बोर हो रहे हैं, घर पे अकेले बैठे हैं और आपको गाने सुनने का मन करता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार आज मैं बहुत थका थका फील कर रहा हूँ, कुछ तो मेरी लाइफ में से अतरंगी सा मैं कुछ करूँ या फिर ऐसे मुझे बोर नहीं होना चाहिए, तो भाई कोक स्टूडियो के जो सीज़न 1 से लेके अभी तक के जो जितने भी सीजन्स आए आप वो देख सकते हैं बिना बोर हुए, क्योंकि इतने मस्त मस्त गाने आप सीरियसली आप सुनेंगे ना कभी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और म्यूज़िक एक थेरेपी भी है अगर आप अच्छे तरीके से उसको सुने तो, क्योंकि आप शायद जो लोग ऐसे गाने सुनते हैं जिनको बहुत क्रेज़ है म्यूज़िक का, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये चीज़ जन्नत है ही। बट जो लोग नहीं भी सुनते हैं सॉन्ग रेगुलरली या फिर जिनको पसंद नहीं है गाने, लेकिन उनका मूड बहुत डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों पर। अगर आप अच्छे गाने सुनते हैं लाइक मॉर्निंग में बहुत सारे एनर्जेटिक और पॉजिटिव थॉट्स देने वाले अगर आप गाने सुनते हैं, आपको इंकरेज करने वाले अगर आप गाने सुनते हैं, तो आपका जो दिन है बहुत अच्छा जाएगा और एक अलग सी एनर्जी, अलग से स्माइल के साथ आपके दिन की शुरुआत होगी। और वहीं पर भाई सुबह सुबह गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, भाई मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ, अभी मैं सैड सॉन्ग सुन लेता। दिन भर ऐसे बुरे बुरे निगेटिव ख्याल आएंगे दिन में, भाई गर्लफ्रेंड का झगड़ा भी हो गया, सॉल्व भी होने के ऊपर आएगा, फिर भी वो जो गाना है ना तो वो सुन सुन के वैसे ही हार्डली भाई 5 से 10 मिनट के अंदर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपके साथ। सो हम जैसे गाने सुनते हैं या जो चीज़ें हम सुनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत इफेक्ट करती है, इसलिए अच्छा म्यूज़िक आपके मूड को फ्रेश बनाता है, इसलिए अच्छा म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का वीडियो देखते हैं बिना टाइम गवाए और जिन लोगों का मूड फ्रेश नहीं है उनका मूड फ्रेश करता है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोक स्टूडियो सीजन 14। काना यारी गद्दारी इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा, इश्क नामे गारदा। इश्क फकीरानी पीरों मुरीदानी, इश्क वलियानी होदाए खलीलानी, इश्क पिड़ा के मरचा दफ्तरा बानी, हमलोमा गंजा कसी हस्ती बिजानी, इश्क नूर वा तरबा मिसरी चम्मानी, नबी इश्क चूकी तो कुत्ता पिलानी, कना यारी गद्दारी इश्क नामे गार अदा, कना यारी गद्दारी इश्क नामे गार अदा, इश्क नामे गार अदा, इश्क नामे गार अदा, कना यारी वत वती दिल पर चा तुम जासे वाह वाह
दस्तावेज़ जानी दस्तावतियानी दुश्मन बया संगत बस वादा बहारानी मर्दम वतारानी परजा मजानी रंदा मकन तो दिल पर मारश गानी का नजारी सदवारी औली ता में प्यारे दा का नजारी सदवारी औली ता में प्यारे दा अभी तक लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, इतने सारे सीजन्स इसके आए हैं तो उसमें से आपको समझ में आ गया होगा कि लोग इसको पसंद क्यों करते हैं इतना भी वीडियो देखने के बाद में। तो जैसे ये जो मेल सिंगर है तो काफ़ी अमेजिंग से इसकी वॉइस है यार, बंदे की बहुत क्यूट सा है देखने में और बहुत ही अमेजिंग इसकी कली कली हेयर बहुत क्यूट सा है दिखने में। और जैसे भाई इसने एंट्री की ना तो मस्त ऐसा दुसंत का जो इन्होंने जैसे गाया है बहुत बहुत अच्छा लगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि वो जो लेडी रैपर थी भाई सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए आई बंदी, शायद से आधे मिनट के लिए मे भी। तो जैसे ही वो आई आधे एक मिनट के लिए ही हम लोगों ने उसको इस वीडियो में देखा कि बहुत नेक्स्ट लेवल का परफॉर्म किया है उन्होंने। एक अमेजिंग सा एक वीडियो को उनकी वजह से टच मिला है और क्या रैप किया है उन्होंने बहुत बहुत सही। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि यार बंदी आए भी, बंदी ने रैप भी किया लेकिन जो संस्कार होता है जैसे हम लोग देखते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद भी बंदी ने हिजाब नहीं खोला और हिजाब नहीं छोड़ा, तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार बहुत ही ऐसे लोग होते हैं कि हिचकिच जाते हैं अपनी रिलीजन की सारी चीज़ें करने में या कुछ चीज़ें करने में, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके भी बंदी ने ये सारी चीज़ें की है और कितना कूल दिख रही है यार। वो ऐसे लग भी नहीं रहा है कि बहुत कम लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि यार बंदी ने हिजाब पहना है, तो अच्छा लग रहा है लेकिन उसके ऊपर और बहुत सही किया है उसने जो वीडियो में एक्ट किया है वो। तो ये एक मुझे बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा वीडियो लगा जो आज हम लोगों ने कोक स्टूडियो का देखा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे प्यारे वीडियो हम लोगों ने अभी तक देखी नहीं है तो हम लोगों ने देखने चाहिए कोक स्टूडियो के वीडियो। सो इसके बाद हम दो तीन वीडियो जो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कोक स्टूडियो की, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग है। स्पेशली जिन लोगों को सूफ़ी गाने पसंद हैं, जिन लोगों को कवाली पसंद है उनके लिए तो माशाल्लाह जन्नत है ये, तो मैं ज़रूर हाजिर होंगी नेक्स्ट जो वीडियो है वो कोक स्टूडियो का लेकर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तो आप लाइक करेंगे ही बट कोक स्टूडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।